ना होए इसके चक्कर में ना वो तुम्हें भी चिपट जाओ भाई आ गए वो तो। चुनरी चुनरी मेरी नोटबुक लेके कहाँ जा रही हो भाई मेरी नोटबुक लेके किधर जा रही हो? टू बैंकॉक। हम तीनों ना साथ ही जाएंगे, मतलब मैं, पांडा और वंदु। बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। आप दिल से लगता है भाई, जा रहे हो? कब हो गया यार? तो गाइज अभी हमारी क्रू की एक मेंबर वन्ना पवार घायल हो रखी है, तो वो हमारे साथ नहीं आ रखी है। वो जा रखी खेलने, घायल हो रखी बेवकूफ। उसकी तो तबीयत खराब थी। तू क्या बोल रही है? खेलने जा रखी वो। उसकी कल तबीयत खराब थी पता? हां कल वाला छी बोल रहे हो आप लिटरली उनके गानों को? बंद दीक्षा, मैं भी छी बोलती। वो तो मैं तो बस में जा रही हूं, बस में तो बजेंगे ही। हंस दिल रिंकी है ट्रेन से भी तो जाओगी बाद में? बाद में कब? ट्रेन से नहीं जाओ रहे? आईएसबीटी से बस सारन। ओ भाई अच्छा, हल्द्वानी गए थे आप पहले? अच्छा हल्द्वानी नहीं जा रही भाई मैं। अच्छा हल्द्वानी नहीं जा रही? मैं हल्द्वानी नहीं जा रही, मैं सहारनपुर जा रही हूँ। सहारनपुर क्या है? कौन है फिर? क्योंकि मेरी फैमिली सहारनपुर है। हल्द्वानी कौन है? हल्द्वानी पापा की जॉब है ना, तो मम्मी पापा और मेरे भाई और पापा रहते हैं वहाँ पे। तो सहारनपुर कौन है? सहारनपुर दादा दादी नाना नानी बुआ। तो किसके पास जा रही? मैं जा रही दादी के पास, मम्मी वहीं आएगी हल्द्वानी से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दर में देखा एक आप तो ये सिलसिले हुए। आज हम ना बीट रूट का जूस पी के आएंगे क्योंकि मेरे ब्लड कमी है, ठीक है? क्योंकि मैंने रक्तदान किया था एक मच्छर को। भाई बस आ गई गाइस, बस आ गई। ध्यान से जाना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बीटरूट का जूस तुमने गन्ने का जूस पिया है? अपनी मौत को बुलावा देते हुए साक्षी कैसा है? बहुत ज्यादा टेस्टी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस था, ठीक है ना? नहीं बोला था। मैं भाई मैं भी नहीं सहरी, मैं भी नहीं सहरी। वरना आप ऐसे ही करते हो, कल उसकी जाने की खुशी में हलवा बना रहे हो। जान बच के पता, इसने पता क्या किया? बड़ा हरामी हो। अभी साक्षी जा रही है और अभी हम सो के उठे हैं सब। चलो भाई ऐसे ही चलो, मेरी आवाज देख रहे हो तुम? आज साक्षी भी चली जाएगी हमारी और फिर हम तीन बच जाएंगे। चलो यार भागो, निकालो इसे यहाँ से। मत ऐसी हरकतें मत कर कि वार्डन तेरे को धक्के मार के निकाले। हाँ और यहाँ पे एक क्रू मेंबर का इंतजार हो रहा है वरना। गाइस मेरे को भी भूख लग रही है, तो अंधेरा हो रहा है। चल चल सुप्रभात आंटी जी। ओ भाई ओ भाई, अबे ये क्या? Thank you.
साथी हमारे साथ चल रहा है, इसको भी ले जा साक्षी अपने साथ। अबे तेरी भाषा थोड़ी समझ आती होगी उनको। बाय, ध्यान से जाना। साक्षी को गए छोड़ने और कुत्तों ने किया हमला, आज की सनसनी खबर। छोड़ उसको, चल इस तरफ आएगा अपना भाई। वो देख रहा सबसे गंदा, एक तो सुबह सुबह उठ के नींद खराब करी और ऊपर से इनका वो देख, वो कितनी खतरनाक तरीके से देख रहा। मीम्स नहीं, मेमेज बनेंगे इन पे, मेमेज। ऐसा ना होए इसके चक्कर में ना वो तुम्हें भी चिपट जाए। भाई आ गए वो तो। ओए यार नहीं, वही यार नहीं। मत कर यार, भाई तेरे को जब मना किया था तेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, इसकी वजह से। ये सोच रहा है अपनिच भगवान है क्योंकि इसके साथ हम हैं। कौन है ये लोग? इसके दुश्मन। अंदर जाना है, इस तरफ चल, एक काम कर, इस तरफ लोग वो फिर से उधर आ जाएंगे, वो उस साइड से इधर आए और वो अब इधर से उधर नहीं जा सकते। क्या पता भूल जाए। गाइस ऐसे ये तो भाई गुंडों की तरह पीछे पड़ गए। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। हाँ, साक्षी। ओ शिट, ये तो इधर ही आ रहे हैं। फाइनली बच गए हम उन कुत्तों से। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू। अबे अनदर न्यू वीडियो क्यों बोले जा रही है? हे गाइस, तो कल मैं जा रही हूँ घर। वाओ ये तो टाइम हो गई। तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो देखो क्या बोलूँ, आगे समझ नहीं आ रहा। हेलो गाइस, तो कल मैं जा रही हूँ घर, तो कल मैं जा रही हूँ घर। हेलो गाइस, तो आज साक्षी घर चली गई और कल मैं जा रही हूँ घर, तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। आज
होली सेलिब्रेशन है कॉलेज में और ये लोग होली खेल के जाएंगे। इन्होंने मुझे धोखा दिया, बोले कि हम तेरे साथ जाएंगे पर मेरे को अकेले जाना पड़ रहा है। क्या बोलूँ गाइस, मुझे धोखा दिया। टाइम लैप्स बना लेना प्लीज़, ठीक है ना। तो गाइस मुझे लगता है मुझे भी बस वाले अंकल की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेनी चाहिए क्योंकि नेटवर्क नहीं आते कुछ जगह पे तो गाने बंद हो जाते हैं तो सारा मज़ा खिरखिरा हो जाता है। साथ में हर बार का यही सीन है, हर बार मैं भूल जाती हूँ रूट्स कि कहाँ से कहाँ जाना है। और पैसे भी खुले नहीं है। पिछली बार तो क्या हुआ था, मेरे पास ना जब मैं ऑटो में बैठी एक और था, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मेरे पास 500 का नोट था। तो क्या कहते वो अंकल, बोलते खुले नहीं है। मैंने कहा नहीं अंकल 500 में से कर लो ना। बोलते कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे ही नहीं लिए। ये भी फ़ायदा होता है खुले पैसे ना रखने का, फ्री में जा सकते हो तुम। तो गाइस यहाँ से हरिद्वार तक मैं अकेले जाऊँगी और हरिद्वार से नानी साथ में चलेंगे मेरे, तो हाँ मेरे साथ कंपनी देने के लिए नानी होंगी। हाँ मैं तो घर जा रही हूँ। ओहो हो तो ओहो ठीक है बाय। अच्छा आ गया, आज हमारा है आखिरी दिन हॉस्टल में। मम्मी भाई